मैम जी सबको अनम्यूट कर दीजिए अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड हितकारनी के हितकारनी मॉर्निंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैथ्स के डाउट क्लास में आप सबका स्वागत है। थैंक्स जो मैम। लोगों ने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है उनके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मंडे एंड ट्यूसडे दो हमारे लेक्चर्स हुए हैं, इसमें हम लोगों ने दो मेथड सीखी थी। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले देख लिए थे, दूसरे वाले लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड देख ली थी, राइट। और आज हम लोगों के लिए, आज के लेक्चर के लिए बच्चों ने डाउट्स पूछा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन के लिए, बच्चों ने सजेस्ट किया था, इसलिए हम लोग ये वाला टॉपिक, आज कौन सा वाला टॉपिक लेने वाले हैं, खंडशः समाकलन या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला टॉपिक लेने वाले हैं, ठीक है। अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, अगर मैं जो भी सिखा रही हूँ वो अगर उस वक्त किसी को भी डाउट आता है तो आप खुद को अनम्यूट करके मुझे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। म्यूट इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के आवाज से हम लोग डिस्टर्ब ना हो पाए, ठीक है एवरीवन। जी मैम। यस मैम। हम लोग लेक्चर चालू करते हैं। ओके मैम। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज खंडशः समाकलन। सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक मिनट, किसी से गलती से स्क्रीन के ऊपर कुछ तो लिखा गया है, पहले मैं वो इरेज कर दूं, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दैट इज खंडशः समाकलन। सबसे पहले इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, सूत्र क्या है इसके लिए। हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला कैसे आया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला कैसे बना है, कैसे डिराइव हुआ, वो सबसे पहले देखते हैं। अब अवकलन का या फिर डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन का यानी यू इंटू वी का हमें पता है। डेरिवेटिव क्या रहता है, यू इंटू वी का रहता है यू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज डी वी, राइट। और उसके बाद मैम सबको म्यूट में डाल, आई थिंक मैम किसी ने माइक ऑन कर लिया मैम। अब कर दिया मैंने सबको म्यूट वापस, अब ठीक है, अब सबको सुनाई दे रहा है ठीक से, होपफुली हाँ सुनाई देता होगा क्योंकि अब मैंने म्यूट किया है तो किसी की आवाज मुझे नहीं आएगी। फॉर्मूला के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यू इंटू वी के डेरिवेटिव का फॉर्मूला है हमारे पास यू into derivative of second term that is v का derivative that is dv by dx plus second term को हम लोग as it is रखते हैं यानी v लिख दिया हम लोगों ने और first term का derivative that is du by dx। ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका derivative का formula है, right। अब derivative के formula को हम लोग क्या करेंगे, दोनों side integrate कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों side integrate यानी left hand side और राइट हैंड साइड को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, u into v मिलेगा। और राइट साइड में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ u into dv by dx into dx। ये into dx क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना जरूरी है, dx लिखना जरूरी है। प्लस सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v into du by dx into dx, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं ये जो लेफ्ट साइड वाली राइट साइड वाली टर्म जो है, सबसे पहले समझो ये जो राइट साइड वाली टर्म है v into du by dx into dx, ये टर्म को हम लोग क्या करते हैं, ये टर्म को हम लोग अपोजिट साइड लेके जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यू वी माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट साइड में जाते वक्त क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गई आपकी एक साइड।
और एक साइड में सिर्फ कौन सी टर्म बची है आपकी, एक साइड में आपकी सिर्फ बची है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डीवी बाई डीएक्स इंटू डीएक्स, ये वाली टर्म बची है राइट। तो उसी इक्वेशन को हम लोगों ने क्या कर लिया है, वापस ऐसे इस टर्म में लिख लिया है राइट। तो हमें मिला है u इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डीवी बाई डीएक्स इंटू डीएक्स इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी यू बाई डीएक्स। अब क्या करते हैं हम लोग, ये u वाला जो फंक्शन है, u वाला जो फलन है, उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। u इज इक्वल टू क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो u है उसको हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया। और यहाँ पे जो dv by dx है उसको हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, उसको हम लोगों ने g ऑफ x कंसिडर कर दिया राइट। तो g ऑफ x कंसिडर करने के बाद ये दोनों जो वैल्यूज है f ऑफ x एंड g ऑफ x वाली वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। लेकिन इस इंटीग्रेशन में पुट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, u का डेरिवेटिव लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, du by dx is equal to f of x का डेरिवेटिव कैसे हम लोगों ने इंडिकेट किया है, f dash of x, यानी ये f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। अब वही v की वैल्यू हमें लग रही है यहाँ पे, तो v की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, इसका इंटीग्रेशन लेके मिलेगी। तो v is equal to इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx, ये हम लोगों ने वैल्यूज निकाली। और ये वैल्यूज निकालने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले कंसिडर क्या किया था, क्या माना था हम लोगों ने, u is equals to f of x and dv by dx is equals to g of x राइट। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं, वो सारी वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन वन में पुट कर देंगे। एक्सप्रेशन वन में पुट करने के लिए अब देखिए, u की वैल्यू क्या है हमारी, f of x, वो पुट कर दी राइट। अब यहाँ पे u की वैल्यू, एक मिनट, u की वैल्यू क्या है आपकी, f of x, तो यहाँ पे f of x लिख दिया हम लोगों ने राइट। अब यहाँ पे dv by dx के लिए वैल्यू क्या है, g of x, तो वो भी लिख दी हम लोगों ने यहाँ पे ओके। ये दोनों वैल्यूज हो गई। अब राइट साइड में आते हैं, वापस u is equals to क्या है, f of x, वो लिख दिया f of x। उसके बाद v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे v की वैल्यू हमें क्या मिली थी, इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx, वो लिख दिया हम लोगों ने। अब आते हैं ये वाले माइनस साइन के ऊपर, तो माइनस साइन एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। अब v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू वापस हमारे पास है, दैट इज इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का साइन देना भूल, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx राइट। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx, मैं यहाँ पे गलती से इंटीग्रेशन का साइन देना भूल गई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। अब यहाँ पे du by dx की वैल्यू क्या है, f dash of x, तो वो हम लोगों ने लिख दी राइट। वो वैल्यूज लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग कौन से फॉर्मूला में लिखा है वो देखते हैं। यानी ये बेसिकली हमें फाइनल फॉर्मूला मिला है, बस इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, जिससे हमें फॉर्मूला हमेशा लिखना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो कैसे लिख रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये एफ डैश ऑफ एक्स वाली टर्म को पहले लिख लिया मैंने ठीक है, इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या था, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे था आपका इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स राइट। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स मिल रहा है राइट। ये वैल्यू हम लोगों ने लिख ली यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या समझना जरूरी है वो समझो, जैसे हम लोगों को मैथ्स में पता है, हम लोग क्या करते हैं, बेसिक चीज जो हम लोगों ने स्कूल में सीखी थी वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं राइट, इसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं राइट, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। वैसे ही जो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला मिला है, इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको और एक चीज कौन सी फाइंड आउट करनी है, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स, यानी
पहले जो फंक्शन हम लोगों ने कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें फाइंड आउट करने के बाद आपका नेक्स्ट टास्क रहेगा कि आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, आपका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का टास्क रहेगा। ठीक है, ये वाली प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है आपको कि कौन सी चीजें करनी है। वापस एक बार इन चीजों को रिपीट करती हूं मैं, क्या करना है हमें, सबसे पहले डेरिवेटिव ढूंढ के रखो सिर्फ, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स ढूंढ के रखो, उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कलर से मैंने क्या दिखाया है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद नेक्स्ट टास्क आपका क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का येलो कलर से मैंने जो दिखाया वो, दैट इज आपको क्या फाइंड आउट करना है, उस मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट होपफुली नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं इसके बाद हम लोग जाते हैं इसमें f ऑफ x एंड g ऑफ x को कैसे ढूंढा जाए। ठीक है, उसके लिए एक रूल है। ठीक है, एक रूल क्या है, हम लोग हमेशा उसको बोलते हैं आईलेप। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के हैं वो लोग भी यही नोटेशन ध्यान में रखिए तो आपको वो समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। और अगर आपको और कोई रूल पता है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्पेशली। ठीक है, आईलेट के लिए आई का मतलब क्या रहता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी उसी का मतलब क्या रहता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन रहता है, राइट। उसके बाद L का मतलब क्या रहता है, लॉगरिथमिक फंक्शंस यानी लघुगणक समारोह होता है। ठीक है, A का मतलब क्या रहता है, अलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजीय समारोह। उसके बाद T यानी क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। उसके बाद E का मतलब क्या रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज घातांक प्रक्रिया प्रकार फलन। ठीक है, अब इसके ये तो मीनिंग बता दिया मैंने आई लेट का, आई L A T E, आईलेट का मैंने मतलब बता दिया, लेकिन I यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस टाइप के दिखते हैं, तो इस टाइप के दिखते हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, इस टाइप के आपके I वाले यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाले एग्जाम्पल्स रहते हैं, यानी फंक्शन फलन रहते हैं। L यानी लॉगरिथमिक फंक्शन यानी क्या रहता है, टू द बेस ER, फिर टू द बेस 10 वाले लॉग के एग्जांपल्स यानी लॉग के फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, ए यानी अलजेब्रिक फंक्शन यानी बीजीय समारोह, उसके लिए कैसे रहेगा, उसके लिए रहेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या फिर कोई भी इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे वाले जो फंक्शंस रहते हैं, ऐसे वाले जो फलन रहते हैं वो कैसे रहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस वाले रहते हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपके कौन से आएंगे यानी त्रिकोणमितीय फलन में कौन से टाइप के फंक्शंस आएंगे, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स, इस टाइप वाले फंक्शंस किस में आएंगे आपके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर त्रिकोणमितीय फलन में। और ई यानी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी घातांक प्रकार फलन, तो उसमें कैसे आएंगे, ई टू एक्स टी टू द पावर एक्स यानी पावर में एक्स वाले फंक्शंस आएंगे। ठीक है, ये वाला सबको समझ में आ गया होगा। अब और एक चीज ध्यान में रखिए सब, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल या फिर फॉर्मूला लिखते वक्त एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है आपको, एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स लिखा है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स लिखा है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यू सॉरी येलो कलर वाला कुछ दिख बदल लेते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू एंड वी वाली टर्म्स भी यूज कर सकते हो, यू एंड वी वाले, बस एफ को किससे रिप्लेस करोगे, यू से, एंड जी को किससे रिप्लेस करोगे, वी से रिप्लेस करोगे, तो भी इस फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये जो हम लोगों ने आईलेट वाला रूल देखा है, वो आईलेट वाला रूल किसके लिए है, वो रूल है आपका यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यू कौन से फंक्शन को कंसिडर करना है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, यू या फिर एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं। ठीक है, कंसिडर करना है या फिर एफ ऑफ एक्स किसको कंसिडर करना है, ये आपको किससे पता चलेगा, आईलेट के
रूल से पता चल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आई थिंक यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अब ये हम लोगों ने यू इनटू वी यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस का रूल हम लोगों ने देख लिया, और उसमें यू एंड वी, यू एंड एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करने के लिए रूल हम लोगों ने देख लिया, वो क्या है आपका आईलेट रूल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब क्या रहता है, मान ज्ञात कीजिए। तो किसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनटू साइन इनवर्स एक्स मान कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक कौन सा फंक्शन है x फंक्शन है, और यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन कौन सा है sin इनवर्स x फंक्शन, ये दो फंक्शन है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक f of x and g of x, मैम हल्ला हो रहा है, f of x and मैं सबको डांस कराई, अब वापस सबको म्यूट कर दिया है, अगर किसी को डाउट रहेगा तो खुद को अनम्यूट कर लीजिए, राइट। अब जाते हैं हम लोग आगे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए अब मैंने क्या बताया था आपको, f या फिर u की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रूल कौन सा है, आई लेट रूल है, राइट, आई लेट। अब आईलेट में देखते हैं हमारे कौन से फंक्शंस है यहाँ पे। x आपका क्या है, x आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, राइट, x आपका क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे a की जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब साइन इनवर्स x क्या है, आपका इनवर्स फंक्शन है, यानी ये i की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स x, राइट, साइन इनवर्स। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत हैंडराइटिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमें क्या पता चल रहा है, आई साइन इनवर्स एक्स है एंड ए क्या है आपका अलजेब्रिक फंक्शन, दैट इज एक्स है। अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो आएगा उसको हम लोगों को क्या कंसिडर करना है, यू या फिर एफ ऑफ एक्स कंसिडर करना है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स यानी इनवर्स फंक्शन पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू किसकी लिख दी, एफ ऑफ एक्स की लिख दी। एंड जी ऑफ एक्स किसको कंसिडर करेंगे, एक्स को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख दिया। उसके बाद हर एग्जाम्पल में आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली ब्रैकेट में एफ डैश ऑफ एक्स यानी एफ का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद वैल्यूज पुट करने के लिए अब देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो वो लिख दी हम लोगों ने, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली ब्रैकेट, तो कर्ली ब्रैकेट एज इट इज f dash of x यानी f का with respect to x derivative, इसलिए d by dx of sin inverse x लिख दिया। अब square bracket चालू होता है, square bracket के अंदर integration of g of x dx, तो g of x की value क्या है, x dx, और curly bracket complete करने के बाद, square and curly bracket complete करने के बाद वापस dx। अब आगे जाते हैं, हमें हर एक एक फंक्शन की वैल्यू, हर एक एक टर्म की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स एज इट इज आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स के लिए क्या आएगा, आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसलिए एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स आएगा इंटीग्रेशन स्क्वायर अपॉन टू, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है इंटीग्रेशन, एक मिनट, किसी को कुछ डाउट है तो ही खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज, अदरवाइज बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमें फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, सूत्र क्या है, 1/√1 − x2, राइट। ये हम लोगों ने डेरिवेटिव की वैल्यू लिख ली। वापस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का, एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वो भी हम लोगों ने लिख दी, यानी ये स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये डेरिवेटिव की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। अब स्क्वायर ब्रैकेट तो सिंप्लीफाई हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कर्ली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। कर्ली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई होना है, लेकिन उसके लिए देखो यहाँ पे अब कोई ऑपरेशन बचा नहीं है, तो इसको सिर्फ हम लोगों ने सिंप्लीफाई यानी सिंपल तरीके से रीअरेंज करके हम लोगों ने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू जो ब्रैकेट में था वो बाहर लिख दिया, एंड साइन इनवर्स एक्स एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, ये अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो टू है वो आपका कांस्टेंट है, अच्छा है, तो वो क्या कर सकते हो आप, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हो, यहाँ पे आ गया 1/2 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अब इंटू डी एक्स एज इट इज, ठीक है। अब देखते हैं अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है, वो हमें वापस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर इसको, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, आई वन कंसिडर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई वन को सॉल्व करेंगे, तो आई वन को सॉल्व करने के लिए क्या किया मैंने, I1 is equals to लिख दिया, I1 is equals to क्या है आपका, integration of x square upon root 1 minus x square dx है। अब क्या कर सकती हूँ मैं, ये जो हम लोगों ने सिंपल वाले examples देखे हुए उसमें भी आप लोगों ने शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा, या फिर ये एडजस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट, कैसी वाली एडजस्टमेंट, तो जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म इन दोनों को क्या कर सकते हो, एक जैसा बना सकते हो। कैसे एक जैसा बना सकते हो, तो प्लस माइनस की कोई टर्म एडजस्ट करके, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर है और न्यूमरेटर में क्या है, यानी ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर को माइनस का साइन है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लाते हैं, तो माइनस का साइन लाने के लिए अगर हम लोगों ने यहाँ पे माइनस का साइन लिया, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पे प्लस साइन है, राइट, माइनस माइनस क्या हो सकता है, प्लस, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, दो बार माइनस का साइन लिखा, यानी पहले ओरिजिनल जो फंक्शन था उसमें कुछ भी हम लोगों ने चेंज नहीं किया, बस उसको एडजस्ट करके कैसे लिखा है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, राइट। अब आगे जाते हैं, आगे जाते हैं हम लोग, क्या हम लोगों को क्या मिलेगा, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो हमें यहाँ पे वापस 1 भी लाना पड़ेगा, तो हम लोग 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 1 कर देंगे, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा 1 माइनस 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो टर्म्स को हम लोग सेपरेट करेंगे, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एंड 1 वाली टर्म को हम लोग सेपरेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 root of 1 minus x square dx, ये दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 minus x square dx हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 minus x square की यहाँ पे न्यूमरेटर में पावर क्या है, 1, और डिनोमिनेटर में पावर क्या है, 1/2 है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए पावर 1 अपॉन पावर 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/1/2 का आंसर डिवाइड करने के बाद, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 1/2, यानी 1/2 यानी आप लोग क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने इस टर्म के लिए, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है,
सिंप्लीफाई करके रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स राइट। अब यहाँ पे जाते हैं ये वाले टर्म के ऊपर। ये वाले टर्म के लिए हमें क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स राइट। तो साइन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन में हम लोगों ने ये वैल्यू वाली पुट कर, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर। अब आगे जाते हैं, आगे वाली टर्म के ऊपर जाते हैं। आगे वाली टर्म में हमें क्या है, देखो ये वाला टर्म तो सॉल्व हो गया, अब ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना बाकी। अब इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों को पता है, कौन सा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर वाला, ये पता है ना सर, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका सबको फॉर्मूला पता होगा राइट। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारी, वन है, तो हम लोगों का इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स राइट इनटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की, ए स्क्वायर रहता है यानी ए यानी वन है, तो वन की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है वन, तो वन का स्क्वायर वन ही आएगा इसलिए यहाँ पे वन लिख दिया, इनटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए यानी एक्स बाय ए यानी एक्स अपॉन ए की वैल्यू वन अपॉन वन, और ये जो सेकंड टर्म वाला माइनस साइन इनवर्स एक्स है वो एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा ठीक है। अब आगे भी जाते हैं ठीक है, अब आगे जाते हैं हम लोग। माइनस का साइन पहले से ही बाहर है ऑलरेडी, उसको कोई भी भूलेगा नहीं, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा ठीक है। अब ये माइनस का साइन आ गया, अब 1/2 फॉर्मूला में ही था तो वो 1/2, अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 इंटू एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1/2 - 1, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1/2 - 1 राइट। 1/2 - 1 की वैल्यू क्या आती है, -1/2, इसलिए यहाँ पे -1/2 इनटू साइन इनवर्स एक्स राइट। अब इनटू यहाँ पे क्या आएगा, अब 1/2 जो है वो क्या कर सकते हो, 1/2 क्या कर सकते हो, बाहर ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हो, तो ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया तो आपको मिला -1/2 इनटू एक्स इनटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स राइट। ये आपको किसकी वैल्यू मिली है, ये आपको I1 की वैल्यू राइट। अब ये I1 की वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है, ये I1 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, कौन से इसमें I की वैल्यू राइट, ये क्या था आपका ओरिजिनली I था, I में आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है, I1 की वैल्यू पुट करनी है। तो I1 की वैल्यू पुट करने के लिए आपके पास I का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स 1/2 है और यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ठीक है, प्लस 1/2 इंटू एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। प्लस सी क्या है आपका, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट राइट, और ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हमेशा ऐड करना क्या है, जरूरी है राइट, उसके सिवा आपका एग्जांपल कंप्लीट नहीं होगा। ये वाले एग्जांपल में किसी को कुछ भी डाउट, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है मैम, एवरीवन नो मैम पक्का, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ठीक है।